किचन ऑर्गेनाइज करने की स्ट्रगल कर रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होता है, किसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है और कौन जेन्युइनली में प्रैक्टिकल और बहुत ही फंक्शनल है, जिससे हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत ही इजी हो जाए। तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ कुछ मेरे ऐसे प्रोडक्ट जिसे मैं लास्ट 2 ईयर से यूज कर रही हूँ और बहुत ही फंक्शनल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इनड्रॉर नाइफ ऑर्गेनाइजर, जिससे मेरा जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। देख सकते हैं बहुत सारे नाइफ, सीजर भी रख सकते हैं हम, बड़े साइज के, स्मॉल साइज के, जो भी चीज रखे आराम से आ जाती है। और जैसे मैंने बताया कि लास्ट 2 ईयर से यूज कर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है कि ये बच्चों के हाथ से हम आराम से दूर में रख सकते हैं। बीइंग अ मॉम सारी चीजों को हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि किस तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करें कि वो बच्चों के लिए भी सेफ हो। ड्रॉर को हम लॉक करके रख सकते हैं जिससे छोटे बच्चों के हाथ में ये नाइफ ना जाए। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है कि किस तरीके से हमारे डेली यूज वाले स्पून, फोर्क या फिर नाइफ को ऑर्गेनाइज करके हम रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का मैंने अमेजोन से बाय करा होता, बहुत ही फंक्शनल है। अगेन इसे मैं लास्ट 2 ईयर से यूज कर रही हूँ और देख सकते हैं इसे मैंने नेक्स्ट वाले ड्रॉर में रखा है क्योंकि मुझे डाइनिंग टेबल में ना कोई भी क्लटर पसंद नहीं आता। सारी चीजें प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात ये हो जाती है, इस तरीके से हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बच्चों के लिए भी इजी टू एक्सेस हो जाता है। तो बच्चों के हाइट के अकॉर्डिंग ही मैंने इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है, बिल्कुल फंक्शनल, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जिससे बच्चे भी बिना तंग किए सारी चीज़ों को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट आता है, आई गेस मोस्ट ऑफ द इंडियन की प्रॉब्लम आती है किस तरीके से कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करके रखा जाए और उस कॉर्नर को यूटिलाइज करके रखा जाए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 3 टायर कॉर्नर ऑर्गेनाइजर। यहाँ पे आप अपने जो भी डेली यूज की चीजें हैं रख सकते हैं या फिर जो भी आपको रखना है। मैंने ही रखा हुआ है रेगुलर यूज में आने वाला ऑयल, हनी, क्योंकि इसे मैं वॉश कर सकती हूँ फिर अगेन रीयूज कर सकती हूँ, जिससे ऑयल के स्टेन काउंटर टॉप में या फिर किसी वुडन में न लगे। तो दिस इज माई बेस्ट कॉर्नर ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्टिकेबल वाटर बॉटल होल्डर। हमारे पास जो भी बॉटल्स होती हैं इतनी सारी होती है कि उसे हमें ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम आता है, और जब हम एक बॉटल निकाले तो हमें बाकी के बॉटल भी निकालने पड़ते हैं जिसे फिर से अरेंज करके रखना पड़ता है। तब देख सकते हैं इस तरीके के स्टिकेबल वाटर बॉटल बहुत ही फंक्शनल है, सारी चीजों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और जब हम सिर्फ एक बॉटल को निकालते हैं तो बाकी के बॉटल अपने प्लेस पे ही अरेंज रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये स्टेकेबल है तो इसके टॉप में हम जितना भी चाहे स्टेक करके रख सकते हैं। मेरे कैबिनेट में सिर्फ इतना ही स्पेस था इसलिए मैंने 2 स्टेकेबल वाले वाटर बॉटल ऑर्गेनाइजर यूज किए हुए। कॉर्नर में स्पेस बच गया है तो वहां पे मैं रेस्ट ऑफ वाटर बॉटल भी इस तरीके से अरेंज करके रख दूंगी। तो है ना ये बहुत ही एक और अमेजिंग से प्रोडक्ट जहाँ पे सारी चीजें हमें इजी टू एक्सेस हो जाए और कोई भी चीजें मैस ना हो। नेक्स्ट आता है हमारे इंडियन स्पाइस को किस तरीके से हम अरेंज करके रखें, क्योंकि लिटरली में हमारे इंडियन स्पाइस इतने सारे होते हैं कि उन सारी चीजों को रखना इट्स रियली हार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया हुआ 3 टायर एक्सपांडेबल स्पाइस ऑर्गेनाइजर, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग एक्सपांड कर सकते हैं। अलग करके रखना है तो अलग भी कर सकते हैं, किचन कैबिनेट छोटा है तो छोटा कर सकते हैं, अगर किचन कैबिनेट या फिर हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसे हम इजिली एक्सपांड कर सकते हैं। बैक में जो स्पाइसेस है उसे हम आराम से देख सकते हैं कि हमने क्या रखा हुआ है और आराम से निकाल सकते हैं बिना कोई मैस किया हुआ। यहाँ पे मैंने इस तरीके के बॉक्सेस यूज किया हुआ है, लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप यहाँ पे ग्लास के जार वाले लेबल के साथ में बॉटल रख सकते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने किड्स का ध्यान पे रखते हुए रखा हुआ है। और इस स्पाइस रैक के कॉर्नर पे मेरे थोड़े से स्पेस बच गए थे तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर सेल्फ राइजर का यूज करते हुए हमारे मसाला डब्बा को भी ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। बचे हुए कुछ और स्पाइसेस को भी मैंने अरेंज करके इस तरीके से रख दिया है जिससे कॉर्नर भी यूटिलाइज हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पॉट और पैंस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर करके, क्योंकि हम कुछ नॉन स्टिक यूज करते हैं, अगर स्टील भी यूज करते हैं तो वो स्क्रैच होने के बहुत ज्यादा डर रहते हैं। तो लिटरली में जो इतने महंगे हमारे पैन रहते हैं उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना तो हमारा फर्ज बनता ही है और जो इजी टू एक्सेस भी हो। तो आप देख सकते हैं ये है एक एक्सपांडेबल पॉट एंड पैन ऑर्गेनाइजर जिसे हम कॉर्नर पे किचन के रख सकते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़े तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सामने में मैं जो डेली पैन यूज करती हूँ उसे मैंने सामने रखा हुआ है, पीछे में जो मेरे कम यूज होते हैं वो पैन को रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से हम अपने ट्रे, बेकिंग पैन या फिर चॉपिंग बोर्ड को अरेंज करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का डिवाइडर वाला ऑर्गेनाइजर आता है जहाँ पे हम अपने बेकिंग पैन, केक पैन या फिर ट्रे रखना है ट्रे भी रख सकते हैं, या फिर हमें अपने चॉपिंग बोर्ड्स अरेंज करके रखने हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे बेकिंग के आइटम न रख के रखती हूँ अपने रेगुलर ट्रे और चॉपिंग बोर्ड, तो जब भी मुझे निकालना है इजी टू एक्सेस हो जाती है, सारी चीजें आराम से निकल जाती है क्योंकि इसमें डिवाइडर लगा हुआ है। तो सामने से लुक जो रहता है मेरा अंडर द किचन काउंटर टॉप वो इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट आता है
कि कैबिनेट डोर को किस तरीके से यूटिलाइज कर सके। लिटरली में अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं मेरी तरीके से, या फिर आपका जो किचन है वो छोटा है, तो हर एक कॉर्नर को हमें यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये आता है हमारे लिए तब बहुत ही यूजफुल। यहाँ पे मैं अपने फॉइल, जिप लॉक बैग, सारी चीज़ों को अरेंज करके रख देती हूँ और सारी चीज़ें इजली एक्सेस भी हो जाती है बच्चों के हाथ में और ऑर्गेनाइज भी रहती है। क्योंकि रेंटल अपार्टमेंट में सारी चीज़ों को DIY करना इट्स नॉट पॉसिबल। और ये जो सारे प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रैक्टिकल फंक्शनल होने के साथ साथ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम जब नेक्स्ट घर में मूव होंगे तो आराम से वहाँ भी इन सारी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो क्रॉकरी आइटम है या फिर कप हो गए, गिलास हो गए, प्लेट्स हो गए, उन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम कैबिनेट में कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेल्फ राइजर का यूज किया हुआ है। चाहे आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हो या फिर खुद के घर में रहते हो, सेल्फ राइजर यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसे हमें इस तरीके से अरेंज करना है, जो चीज़ें हमें डेली यूज में आती है उसे हमें ईजी टू एक्सेस, जो हमारे हाथ में आराम से निकल जाए, उसे पहले रखना है। जो चीज़ें हमारे डेली यूज पे नहीं आती है, हम रेयरली यूज करते हैं, उसे हम टॉप में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, गिलास को नीचे रखा हुआ है, कप को नीचे रखा हुआ है और उसके टॉप में मैंने ग्लास के बोल, मेजरिंग कप, इन सारी चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है। होप सो ये सारे जो आपको ऑर्गेनाइजिंग के आइडियाज़ हैं, जो आपके साथ मैं प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, आई गेस ये सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए भी उतने यूजफुल होंगे जितने मेरे लिए यूजफुल रहे हैं जो मैं लास्ट 2-3 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं किचन के एक ऐसी जगह जिसमें मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, ये है अंडर द सिंक। अंडर द सिंक हम सारे अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रखते तो हैं लेकिन ऑर्गेनाइज करके नहीं, और वहां पे पूरा मैस बना रहता है। और जब हम इसे क्लीन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं और इतनी सारी चीजें हैं लेकिन वो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं। तो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करती हूँ 2-टायर स्लाइडिंग ड्रॉर, जो आराम से सिंक के अंदर में फिट हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपने कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, गार्बेज बैग, स्पंज, जो हमारे क्लीनिंग वाले स्पंज आते हैं, डिशवॉशर वाले, वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके लगते हैं, तो जो हमारे इजी टू एक्सेस हो जाते हैं और सारी चीजें ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन रहती हैं। होप सो ये सारे प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे। अगर आपको इसी तरीके के और भी इंडियन किचन ऑर्गेनाइजर के टिप चाहिए जो किड्स फ्रेंडली हो और प्रैक्टिकली यूजफुल हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको अपने बाकी के प्रैक्टिकली इंडियन किचन टिप्स आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।